मुझे आज 2020-21 जो पेश किया है बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, उनके मैं समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के नेतृत्व में केवल कथनी और करनी में अंतर पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देता मेरे विपक्ष के बंधुओं को। हर आदमी बोलता है कि एंटी पुअर है, एंटी सोशल है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बजट 2014 में जब ये सरकार आई थी तो टोटल 16.6 लाख करोड़ का बजट देश का था जी। उसके बाद आज ये बजट हो गया 5 साल के बाद 30,42,230 करोड़, डबल। और आज सुबह हमारे बंगाल से दादा स्वागत राय जी भी चिल्ला रहे थे, रात को सपने में भी इनको डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी नजर आती है। अरे वो जीएसटी और नोटबंदी के कारण 330 देश के लोगों ने सीटें दी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अच्छे काम की अगर तारीफ करोगे तो देश के 125 करोड़ लोग सोचेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अच्छा का तो अच्छा बोलना सीखो कम से कम। जैसी रही भावना जैसी, ता प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अब इनकी भावना ऐसी है तो देश के वासी भी इनको इसी नजरिए से देख रहे हैं। तो इसलिए विपक्ष के बंधुओं को सोचना चाहिए, उसी का परिणाम है कि देश के अंदर 37 करोड़ लोगों के जो अकाउंट खुले। मुझसे पहले बहुत पक्का उन्होंने ये आंकड़े दोहराए, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आयुष्मान भारत योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, वो योजना कैसे भारत में गरीबों के लिए लागू हो गई? 5 लाख रुपए तक का उस परिवार का इलाज, जो गरीब आदमी अगर कोई हीनियस बीमारी ऐसी हो जाए, टीबी की बीमारी, सॉरी हार्ट की भी प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, उस गरीब आदमी को या तो खेत बेचना पड़ता है या घर बेचना पड़ता था या तिल तिल मरते हुए परिवार के सदस्य को देखना पड़ता था। 70 साल के शासन में किसी को गरीब की बीमारी नजर नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बजट आया, रिवेन्यू बढ़ा, तो आयुष्मान भारत योजना से देश में 88 लाख लोग तो लाभार्थी हो चुके हैं और जो 10 करोड़ परिवारों को लाभ दिया जाएगा आयुष्मान भारत योजना से। तो ये एंटी पुअर कहां से हो गया, मेरी समझ से बाहर है। अब जो लाभार्थी आयुष्मान भारत में होंगे उनकी आमदनी, वो तो बीपीएल होंगे, ब्लो पॉवर्टी लाइन के लोग होंगे, वो कोई पैसे वालों को नहीं दिया जाना जी। इस बजट के हिसाब से पता नहीं कब तक रोते रहेंगे। सम्मानित देशवासियों ने 303 सीट जिताकर अगर दिए तो सरकार की इच्छा शक्ति के आधार पर दिए, और इच्छा शक्ति देश को आगे बढ़ाने की कैसे होती है? ऐसी ऐसी जो डिसीजन सरकार ने लिए गए, कम से कम कहना चाहिए था। आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे धारा 370 के बारे में, सपने में नहीं सोच सकते थे भगवान श्री राम के मंदिर का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसके आधार पर तुम मुस्लिम भाइयों को डरा डरा कर वोट लेते रहते थे। आज इस मोदी जी के या अनुराग जी बैठे इनके बजट के कारण देश को विश्वास हो गया है कि अब देश के प्रधानमंत्री जो चाहें वो कर सकते हैं। आज देश के विरोध में बात करने वाले लोग, उनको ये लगने लगा है कि मैं देशद्रोही की श्रेणी में आ गया। उनको देशद्रोही कोई नहीं बता रहा, लेकिन कह रहे कब तक गोली चलाओगे जी, कितनों को मारोगे जी। अरे आप देशद्रोही हो क्या? इसका मतलब 125 करोड़ लोगों ने मान लिया है कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और मानसिकता वो देश के विकास के लिए और गरीबों के हित के लिए काम करने की है। जो एक लगभग 11 करोड़ शौचालय गरीब के घर में बेटी को सम्मान देने के लिए, 18,000 गांव में बिजली पहुंचा देना, जिन गांव ने कभी सपने में नहीं सोचा था। अगर बजट बढ़िया ना होता, रिवेन्यू ना बढ़ता, जीएसटी ना आती, डिमोनेटाइजेशन ना आता, तो कहां जाते बीएसपी की सुप्रीमो का माल जो गड्डी कमरों में पड़ी थी? समाजवादी पार्टी जो बड़े बड़े सत्ता से 50 साल तक लोग राज कर रहे थे, उनका वो पैसा निकल गया 2 नंबर का, इसलिए घबराहट है। 2 करोड़ गरीब परिवारों को मकान दे देना, छत दे देना, और फिर 2022 देश की 75 साल की, अगर हम देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो दिल्ली के अंदर भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को उनको मकान देने की सुध ली, वरना झुग्गी झोपड़ियों पर आज तक राजनीति करते चले आ रहे थे। सर 16 सूत्रीय कार्य योजना, मुझसे पूर्व में भी भाई साहब बोल रहे थे डीएमके के मेरे सदस्य, कह रहे किसानों के लिए बजट ही नहीं है। जो 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी गई है, आप सपने में नहीं सोच सकते थे। लगभग 1,00,000 करोड़, 56,000 तो ऐसे बीमा योजना से, 56,000 करोड़ रुपया बीमा योजना से किसान लाभ उठा चुके हैं, जो सपने में नहीं सोचा था इस देश में 70 साल की आजादी में। सर 16 सूत्रीय कार्य योजना जो बनाई वो किसानों के लिए बनाई। कहते हैं केवल भाषणबाजी है, मेक इन इंडिया,
मेक इन इंडिया वंदे भारत मातरम जो ट्रेन चली है बनारस के लिए, जम्मू के लिए, एक एक पार्ट भारत की बनी मद्रास में फैक्ट्री के अंदर भारत के द्वारा निर्मित ट्रेन चलाकर आज गोली की तरह 12 घंटे में वो हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएगी। एक बुलेट बाहर से, एक नट बोल्ट बाहर से नहीं लाया गया, ये मेक इन इंडिया के माध्यम से। अगर दो ट्रेन तैयार हुई है, दो तो ट्रेन तो छह तैयार हो गई, क्या उनमें बनाने के लिए लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा? क्या लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं होगी? एक ही बात चिल्ला रहे, रोजगार रोजगार रोजगार, ऐसे बोलते हैं कि जैसे, दो मिनट, ऐसे बोलते हैं सर कि जैसे 2014 से पहले इस देश में कोई बेरोजगार नहीं था, सबके पास नौकरी थी, सब लोग काम धंधा करने वाले थे। अरे भैया, 2014 से पहले अगर इस देश में सबके पास रोजगार होता तो तुम्हारी स्थिति यह ना होती थी, सीट छोड़ छोड़कर बजट के बारे में सुननी मेरे भाग छोड़ छोड़कर भागे आप लोग। अगर 2000, मैं पूछना चाहता हूं 2014 के बारे में, 2014 से पहले कितने लोगों को रोजगार दिया? लेकिन इस सरकार ने स्वरोजगार के जो साधन खोले, मुद्रा बैंक के द्वारा लोन देने के माध्यम से जो लोगों को, जो कौशल विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है, सर इस बजट के माध्यम से दर्शाता है गरीब, महंगाई की मार केवल गरीब आदमी को पड़ती है, बाकी किसी को नहीं पड़ती। सर पिछले 6 साल में कोई महंगाई बढ़ी है क्या किसी भी चीज को लेकर गरीब आदमी के लिए? अरे महंगाई सुरसा की गर्दन की तरह हर बार खाती थी, फिल्मी गाने चल गए, हाय महंगाई महंगाई तू कहां से आई, तुझे मौत ना आई, फिल्में बनती थी, गाने बनते थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई नाम की चीज को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया, महंगाई नाम की चीज समाप्त हो गई है। वो इसी प्रकार के बजट, सर एक मिनट, बस अवसर खत्म हो गया, इसी प्रकार का बजट का अवसर है 2024 तक हर नल, हर घर में जल, नल से जल, ये देने की प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है, तो लोगों को विश्वास है। इससे पहले लोग केवल नारेबाजी करते थे। अब मैं सर एक मिनट में केवल खत्म करना चाहता हूं, विकास दिखाने के लिए सर, विकास में दिल्ली में बता रहा हूं सर, सर ये सरकार है रेलवे के माध्यम से हरकेश नगर, प्रहलादपुर और बिजवासन, वह इतने लोग कटके मरते थे रेल के नीचे, 40 साल से दुहाई दे रहे थे, जाके कमेटी बनाओ, साउथ दिल्ली में हरकेश नगर भेजो, कि 40 साल से कहते थे पैसा नहीं है रेलवे के पास। 1 साल के अंदर पुल का उद्घाटन मनोज सिन्हा जी ने किया और शिलान्यास और उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया, 3 पुल बनकर तैयार हो जाना। किसी राज्य के अंदर 125 करोड़ की लागत से बसंत कुछ के लोग जाम में घुसा करते थे, रोते थे लोग कब सरकार आएंगी, केंद्र सरकार के माध्यम से उस रोड बनने का काम हो गया, दिल्ली में नए कॉलेज खुलने का काम हो गया, दक्षिणी दिल्ली में स्टेडियम का निर्माण हो गया, इसी प्रकार से सरिता में अंडरपास का साइकिल ट्रैक बनाया जा रहा है ग्रीन दिल्ली रखने के लिए, और ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफिल के कारण से 60,000 वाहन आज दिल्ली के बाहर बाहर से निकलते हैं। यह योजना 14 साल पुरानी थी सर, योजना, सर एक मिनट प्लीज सर, प्लीज सर, 14 साल पुरानी थी सर यह योजना। इसलिए सर मैं अब आपके माध्यम से इस बजट में से हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर से भाई साहब बैठे हैं अनुराग जी, कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है तुगलकाबाद, पिथौरागढ़, कुतुब मीनार, हम पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। जगमोहन जी एक मिनिस्टर होते थे उस जमाने में, वहां ब्यूटिफिकेशन हुआ था, उसके बाद 10 साल सरकार रही यूपीए की, 10 साल में वो लाइट भी गायब होगी वहां से जी। अब थोड़ा पर्यटन के माध्यम से कुछ बजट वहां पर मिल जाए और वहां पर दिल्ली के लोगों को रोजगार मिल जाए और वहां पर पर्यटन के माध्यम से सौंदर्यता हो जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद सर।